सब्सक्राइब कीजिए टेक एंड सोशल चैनल को हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए और दबाइए बगल में दिए हुए बेल आइकन को जिससे आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस कैलकुलेटर की। ये है कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर सभी ने यूज किया होगा, लेकिन ये आपको कितने का मिलेगा मार्केट में और कितना इसका प्राइस होता है, कितनी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो में और अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि दिखने में कैसा है, कितने दिन इसकी बैटरी चलती है और बैटरी लाइफ कितनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता भी हूँ। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और चीज़ें दिखाने वाला हूँ किस तरह से दिखता है, क्या चीज़ इसकी खासियत है, इसी वाले कैलकुलेटर को क्यों खरीदें, दूसरे को क्यों नहीं खरीदें, और मतलब दूसरे को खरीदें लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो चलिए मैं अनबॉक्स करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ ऊपर क्या लिखा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर 2 पावर, यानी ये धूप से भी चार्ज होता है और बैटरी इसमें रहती है, बैटरी भी रहती है, धूप से भी चार्ज होता है। अब धूप से कैसे चार्ज होता है ये मैं अनबॉक्स करके बताऊंगा आपको। 112 स्टेप चेक एंड करेक्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये मतलब एक्यूरेट, आपको जो कैलकुलेशन है वो एकदम एक्यूरेट रहती है। कि और 12 डिजिट है, यानी ये जो आप देख रहे हैं सारी डिजिट, कितनी डिजिट तक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 12 डिजिट तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। बिग डिस्प्ले है, डिस्प्ले जो है ये काफ़ी बड़ी है, क्योंकि छोटी डिस्प्ले या पॉकेट वाला तो इतना नहीं है, क्योंकि दुकान पे ज़्यादा काम आता है, दुकान पे स्टूडेंट के लिए और या चलते फिरते सेल्स वाले भी इसे काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छी स्क्रीन रहती है, मतलब बिग डिस्प्ले होता है। इसके बाद न्यू वर्जन है ये। और दोस्तों मैं ये बता दूँ कि ये अगर आप कोई कंपनी का खरीदेंगे तो आपको पड़ेगा महंगा, अगर आपको कोई लोकल खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, और लोकल भी उतना ही चल जाता है जितना कंपनी का चलता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कैलकुलेटर अभी से लेके पहले तक, बहुत पहले तक भी यूज किया है, दुकान पे, सेल्स जॉब में, अपने मार्केटिंग जॉब में, उसके बाद स्टूडेंट लाइफ में, तो सभी अच्छे निकलते हैं। ये पीछे कुछ कैलकुलेशन दी हुई है, गुणा भाग कैसे करना, अगर कोई नया है तो वो इस चीज़ को सीख सकता है। वैसे मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको प्लस माइनस के मतलब बहुत सारे फंडे बताने वाला हूँ, और नॉर्मली तो आप कर लेंगे, लेकिन एकदम ऐसे शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो आप करके कैलकुलेटर के महारथी बन सकते हैं। कैलकुलेटर मतलब चलाना भी एक कंप्यूटर चलाने की तरह ही है अगर आप अच्छी तरह जानते हैं तो। जैसे एक्सेल में होता है शॉर्टकट, वैसे ही इसमें भी शॉर्टकट होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से आ जाती है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी मैं आपको ये बता दूं। तो ये पीछे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया है तो मैं इसकी पॉलिथ बैग नहीं खोलता हूँ। तो इस तरह से है ये, क्योंकि आया तो मैंने इसे पहले चला के मैंने खुद ही देखा, तो इस तरह से ये है और इसमें ये है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ यहीं से करना है, ऑन करना है, ऑफ इससे नहीं होता है। आप थोड़ी देर अगर छोड़ देंगे इसको ऑन, मान लो ऑन कर लिया आपने, आप इसको ऐसे कैलकुलेशन करके बिल्कुल जीरो करके छोड़ दीजिए, काफ़ी देर बाद ये अपने आप ही ऑफ हो जाता है, ऑटो ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो रिप्लाई है, इसका करेक्ट है, करेक्ट डिलीट चेक है, 112 स्टेप चेक है, इसके बाद GT है, MU है, प्लस माइनस और C 0 00, ये दशमलव, ये सारी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम सारी चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे आप अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हो और एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये यहाँ से चार्ज होता है, यहाँ पे ये दे रखा है इसके नीचे, ये वाला स्ट्रिप जिस पर मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये स्ट्रिप्स है जो धूप में या यहाँ पे कोई भी उजाला पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, रोशनी पड़ती है, तो उससे चार्ज होता रहता है। इसमें बैटरी भी है और ये भी है, और मैं अमूमन बता दूँ इसकी जो बैटरी होती है दोस्तों 1.5-2 साल आराम से चल जाती है। ठीक है, आप कितना भी यूज करेंगे तो 1.5-2 साल तक, मतलब मैक्सिमम बहुत कम चांसेस होते हैं कि बैटरी बदलनी पड़ती है, आप इसे यूज करते हैं। बैटरी बदलने के लिए पीछे ये सॉकेट दिया हुआ, वहाँ से आप खोल के इसमें बैटरी लगा सकते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। छोटी बैटरी, किसी में छोटी वाली बैटरी लगती है जो घड़ी का सेल होता है वो वाली लगती है, किसी में एक सेल पतला वाला लग जाता है, तो ये आप जब खोलेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो यहाँ ये इस तरह का लुक है इसका,
तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो ज़्यादा पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब दिया हुआ है, आपको केवल उस पर टच करना है और उसके बाद आने वाले बेल आइकन पर टच करना है, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी सबसे पहले देखने को, यानी सारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो आपको कैसी लगती हैं, या आपको किस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो आप उस पर लिख सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और उस तरह की वीडियो आपको दे दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए मेरा चैनल।